दोस्तों, आज की मूवी ह्यूमन सेंटीपेड की कहानी दिल दहला देने वाली है। कमजोर दिल वाले ना सुने। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वार टू में जर्मनी के साइको डॉक्टर्स परफॉर्म करते थे। ये कहानी भी एक ऐसे ही संकी डॉक्टर की है जो एक खौफनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर जोसेफ से, जो अपनी कार में बैठ के एक फोटो देख रहा होता है। इस फोटो में तीन कुत्ते एक की बैग के पीछे एक अटैच हुए होते हैं। फिर जोसेफ की कार के पीछे एक ट्रक आके रुकता है। ट्रक ड्राइवर जंगल पानी करने रोड की साइड में जाता है। डॉक्टर उसका पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कियां लिंडसी और जेनी को देखते हैं, जो वैसे तो अमेरिका से हैं पर वो यहाँ जर्मनी में घूमने आई हुई हैं। आज इन्होंने एक पार्टी में जाना है। फिर दोनों पार्टी के लिए रेंट पर ली हुई कार में निकलती हैं। रात हो जाती है और ऊपर से गूगल बाबा की दया से ये रास्ता भी भूल चुकी होती हैं। फिर एक मोड़ पर इनकी कार का एक टायर पंचर हो जाता है। लिंडसी कार से बाहर आती है और कार कंपनी वालों को फोन करने की ट्राई करती है, लेकिन इस एरिया में नेटवर्क होता ही नहीं है। फिर दोनों कार में ही रहने का डिसाइड करती हैं और सोचती हैं कि अगर कोई यहाँ से गुजरा तो उसे हेल्प मांग लेंगी। फिर एक बूढ़ा बंदा कार में आता है। लिंडसी हाथ दे के उसे रोकती है। हेल्प तो क्या करनी थी, वो बूढ़ा एक नंबर का ठरकी होता है जो दोनों को गंदे गंदे इशारे करने लगता है। लिंडसी जल्दी कार का शीशा ऊपर कर लेती है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। लिंडसी कहती है कि कार में रहना सेफ नहीं होगा, हमें कार छोड़ के हेल्प मांगने जाना होगा। लेकिन जेनी कहती है कि 5 मिनट से ज्यादा हम बाहर नहीं रहेंगे। फिर दोनों जंगल से होते हुए किसी घर को ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाके लिंडसी को एक घर दिखाई देता है। दोनों जल्दी घर के मेन डोर पर पहुंचती हैं और हेल्प मांगना शुरू करती हैं। दोस्तों, ये घर डॉक्टर जोसेफ का होता है। वो दरवाजा खोलता है। लिंडसी और जेनी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम दोनों अकेली आई हो। दोनों हाँ करती हैं। फिर डॉक्टर दोनों को अंदर आने को कहता है। डॉक्टर के घर में बहुत अजीब अजीब सी डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स लगी होती हैं। डॉक्टर दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों यहाँ की रहने वाली हो। इस पर लिंडसी बताती है कि वो दोनों टूरिस्ट हैं और जर्मनी घूमने आई हुई हैं। डॉक्टर अजीब सी स्माइल करता है। फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम दोनों रिलेटिव्स हो। जेनी कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। लिंडसी फिर से डॉक्टर को कहती है कि आप किसी मैकेनिक को फोन कर दीजिए। डॉक्टर फिर कहता है कि मैं फोन करने जाता हूँ, तुम दोनों कुछ पीना पसंद करोगी। दोनों पानी मांगती हैं। फिर डॉक्टर रसोई में जाता है और नाटक करता है जैसे वो किसी को फोन करके बुला रहा है। लिंडसी और जेनी बेवकूफ बन जाती हैं। इधर डॉक्टर दोनों के पानी में नींद की गोली मिक्स कर देता है। फिर दोनों पानी पीने लगती हैं। जेनी पूरा पानी पी जाती है, लेकिन लिंडसी से थोड़ा पानी पीने के बाद गिलास नीचे गिर जाता है। ये देख के डॉक्टर कुत्तों की तरह भौंकता है और कहता है कि तुम्हें अकल नहीं है पानी पीने की। डॉक्टर का प्लान था कि दोनों यहीं बेहोश हो जाएं। डॉक्टर कहता है कि वो दोबारा पानी लेके आता है। इधर लिंडसी देखती है कि जेनी बेहोश हो चुकी है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहाँ डॉक्टर आता है और लिंडसी को कहता है कि ये अभी नहीं उठेगी, मैंने इसे नींद की दवाई दी है। फिर डॉक्टर लिंडसी को भी इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लिंडसी और जेनी को एक लैब जैसे कमरे में स्ट्रेचर पर बांधा हुआ है। यहाँ दोस्तों ट्रक ड्राइवर भी होता है जिसे डॉक्टर ने शुरुआत में गोली मारी थी। असल में वो गोली नींद की थी। डॉक्टर लैब में आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम इनके मैच के नहीं हो, तुम्हें मरना होगा। फिर वो इंजेक्शन के थ्रू ड्राइवर में जहर इंजेक्ट करता है जिससे ड्राइवर मर जाता है। फिर डॉक्टर ड्राइवर को अपने लॉन में ही गाड़ देता है। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक और टूरिस्ट को पकड़ के लैब में लाया है। ये टूरिस्ट जापान से होता है। तीनों बहुत चिल्लाते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि ये बंदा उनके साथ क्यों ऐसा कर रहा है। फिर डॉक्टर अपना इंट्रो देता है और उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि उसने तीन कुत्तों को एक ही बैग के पीछे एक को जोड़ के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिया था। अब वो इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट करने वाला है और शुरुआत तुम तीनों से होगी। फिर वो बताता है कि पहले वो तीनों के घुटने निकाल देगा जिससे तीनों चल नहीं पाएंगे और कीड़ों की तरह रेंगना शुरू करेंगे। फिर बताता है कि तीनों के माउथ के पोर्शन को और बैग के पोर्शन को काट देगा और एक का मुंह दूसरे की बैग से जोड़ देगा। इससे होगा ये कि जब पहला बंदा खाना खाएगा जो उसका वेस्ट बनेगा वो पहले दूसरे के मुंह में जाएगा और फिर दूसरे का वेस्ट तीसरे के मुंह में जाएगा। ऐसे उसके ह्यूमन सेंटीपीड तैयार हो जाएगा। ये सुन के तीनों बहुत डर जाते हैं। फिर डॉक्टर जैपनीज बंदे को पहले नींद का इंजेक्शन लगाता है, उसके बाद जेनी को। लेकिन जब डॉक्टर जेनी को इंजेक्शन लगा रहा होता है, लिंडसी अपने हाथों और पैरों से रस्सियां खोल के वहां से बाहर भाग जाती है। लिंडसी की एक आम पर नीडल लगी हुई थी। जब वो भागती है तो वो नीडल एकदम से आम से बाहर आती है।
जिससे लिंडसी का खून बुरी तरह बह रहा होता है। लिंडसी फिर भाग के कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन डॉक्टर कमरे के शीशे को बाहर से तोड़ता है और कमरे में आ जाता है। लिंडसी ये देख के वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन वो डॉक्टर के बनाए स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिर डॉक्टर उसे बाहर निकालने के लिए पूल को बंद करने लग जाता है और लिंडसी के बाहर आने का वेट करता है, पर उसी टाइम घर की लाइट चली जाती है। डॉक्टर लाइट ठीक करने जाता है। इधर लिंडसी पानी से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड को साथ लेने वापस लैब में जाती है, लेकिन जेनी इंजेक्शन के कारण बेहोश हुई होती है। फिर लिंडसी जल्दी उसे घर से बाहर लाती है, लेकिन डॉक्टर लिंडसी को पीछे से नींद की गोली मारता है, जिससे लिंडसी वहीं बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और तीनों फिर से लैब में बांधे होते हैं। अब डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा होता है, पहले वो घुटने निकालता है, फिर बैक के पोर्शन और फिर फेस का पोर्शन। फिर कई दिनों बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर विस्की का जाम पी रहा होता है। दिखाया जाता है कि उसने अपना ह्यूमन सेंटीपीड बना लिया है। फिर वो अपने ह्यूमन सेंटीपीड को उठाता है। सबसे पहले जैपनीज बंदा होता है, दूसरे नंबर पर लिंडसी और तीसरे नंबर पर जेनी होती है। डॉक्टर इन्हें एक पिंजरे में बंद करके रखता है। फिर वो सेंटीपीड को कुत्तों की तरह खाना देता है। जैपनीज बंदा कहता है कि मैं तेरा कुत्ता नहीं हूँ। ये सुन के डॉक्टर उसके मुंह पर लात मारता है और वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर सेंटीपीड को लेके अपने लोन में आया हुआ है और इनसे अपनी बात मनवा रहा है। यहाँ दोस्तों जैपनीज बंदे को टॉयलेट आती है और उसका वेस्ट सीधा लिंडसी के मुंह में जाता है। दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा लग रहा होगा उसे। जैपनीज बंदा माफी मांगता है। फिर एक दिन डॉक्टर इनका हेल्थ चेकअप करता है। जैपनीज बंदा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन लिंडसी को जैपनीज बंदे की वेस्ट खाने के कारण कॉन्स्टिपेशन हुई होती हैं और जेनी का इतना बुरा हाल होता है कि वो मरने की कंडीशन पर होती है। फिर एक दिन डॉक्टर के घर दो पुलिस वाले आते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि हमें पता है सर आप मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन हम जिन टूरिस्ट को ढूंढ रहे हैं उनकी कार आपके घर के पास ही में मिली है। दोस्तों ये पुलिस वाले लिंडसी और जेनी की ही बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहता है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर डॉक्टर उन्हें घर के अंदर लेके आता है। डॉक्टर दोबारा पुलिस वालों को कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा। पर एक पुलिस वाला कहता है कि आपके किसी नेबर ने आपके लॉन में लड़कियों की चीखें सुनी हैं। डॉक्टर कहता है लोग पागल हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। फिर डॉक्टर पुलिस वालों की बात काटता हुआ कहता है कि मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। डॉक्टर फिर से पानी में नींद की गोलियां मिलाता है और पुलिस वालों को पानी दे देता है। एक पुलिस वाला पानी पी लेता है, लेकिन दूसरा पानी साइड पर रख के डॉक्टर को कहता है कि क्या मैं आपके लोन की चेकिंग कर सकता हूँ। डॉक्टर अचानक चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अपना पानी पियो जल्दी, मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब बाद में दूंगा। गुस्से में पुलिस वाला गिलास तोड़ देता है। फिर डॉक्टर शांत होके कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इसे साफ कर देता हूँ। फिर डॉक्टर नीचे अपनी लैब में जाता है और नींद का इंजेक्शन पुलिस वाले को लगाने के लिए तैयार करता है। जाने से पहले डॉक्टर लिंडसी और बाकी दो को कहता है कि तुम्हारा एक साथी यानी के जेनी मरने वाली है, उसकी रिप्लेसमेंट अब मैं दो इंसानों से करने वाला हूँ। फिर डॉक्टर पानी को साफ करने के लिए एक कपड़ा लाता है जिसमें उसने इंजेक्शन छुपाया होता है। पुलिस वाला डॉक्टर को कहता है क्या मैं तुम्हारा बेसमेंट देख सकता हूँ। डॉक्टर का ये सुन के बीपी हाई हो जाता है और वो कहता है कि बिना सर्च वारंट्स के तुम एक कदम भी मेरे घर में रख नहीं सकते। इतने में डॉक्टर के हाथ से कपड़े के साथ इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। पुलिस वाला पूछता है कि ये इंजेक्शन किस लिए। डॉक्टर कहता है कि ये इंसुलिन का टीका है, वो शुगर का पेशेंट है। फिर पुलिस वाले जाने से पहले कहते हैं 15 मिनट में हम सर्च वारंट्स लेके यहाँ आएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों जब डॉक्टर लैब में जाता है तो जैपनीज बंदा उसके पैर में सीजर मारता है, जिससे डॉक्टर नीचे गिर जाता है। फिर वो डॉक्टर की गर्दन पर बाइट करता है और उसका मांस उतार देता है। फिर जैपनीज बंदा लिंडसी और जेनी के साथ बड़ी मुश्किल पौड़ियां चढ़ के ऊपर आता है। डॉक्टर भी धीरे धीरे उनके पीछे आ रहा होता है, उसका खून भी बह रहा होता है। लिंडसी जैपनीज को इशारा करके बताती है कि एक कमरे में शीशा टूटा हुआ है, वहाँ चलो। लेकिन डॉक्टर ने वो शीशा ठीक करवा लिया होता है। ये देख के जैपनीज हिम्मत हार जाता है और सोचता है कि ये संकी डॉक्टर उन्हें यहीं कैद करके रखेगा, जिसके कारण वो खुद को मार लेता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी वापस सर्च वारंट्स के साथ आ चुके होते हैं। वो देखते हैं कि घर में खून बिखरा पड़ा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में डॉक्टर को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों एक पुलिस वाले ने नशे वाला पानी पी लिया होता है, उसे बेहोशी होने लगती है। दूसरा पुलिस वाला जैपनीज बंदे लिंडसी और जेनी को ऐसी हालत में देख के दंग रह जाता है। उसे अचानक गोली चलने की आवाज आती है। पुलिस वाला भाग के जाता है और देखता है कि उसके पार्टनर को डॉक्टर ने मार डाला है। डॉक्टर इस पुलिस वाले को भी गोलियां मार देता है, लेकिन मरने से पहले पुलिस वाला संकी डॉक्टर के सीधा माथे में गोली मारता है, जिससे डॉक्टर वही मर जाता है।
मूवी के लास्ट में दोस्तों दिखाया जाता है कि जैपनीज बंदे ने तो अपने आप को मार डाला था, जेनी की पहली ही हालत खराब थी जिसके कारण वो भी मर जाती है। लास्ट में सिर्फ लिंडसी ही रह जाती है जो दोनों के बीच फंसी हुई है, वो मर गई या उसे बचा लिया गया मूवी में नहीं बताया जाता। तो ये थी दोस्तों ह्यूमन सेंटीपीड की खौफनाक कहानी। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।